गुड्डे हमने कहा था ना, नाम है हमरा राका, अब हम आ रहे हैं डालने डाका। अच्छा, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे। इसकी मैया का मजा तो अधूरा रह गया। मारो, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। ये बात बने, ये बात हो, तुम नहीं मर सकते। अरे रामू काका का राका ने खून कर दिया। देवकी का कुछ पता नहीं कहां गई। कहां गई होगी? अरे राका तुम आओ। अरे वाह ससुर, का इंग्लिश घर बना है। अरे आओ राका बैठो। जंगल का शेरा शहर में कैसे? अच्छी शराब पिए और अच्छा खाना खाए, बहुत दिन हो गया। हमने सोचा हम भी शहर में रह के सेहत बना लें। अच्छा तो लो खाओ। अरे खाने से पहले कुछ पीने का दस्तूर है। तो लो पियो। अब बताओ क्या करके आए हो? एक बुड्ढा साला अपनी मौत मारा गया। कौन था? और रामू तुम्हारे सेठ की जमीन का चौकीदार। लेकिन जमीन पे तो अपना ही कब्जा है ना। और किसका हिम्मत है जो शेर का मुंह से मांस का टुकड़ा ले जाए। हमारे आदमी रोज गांव वालों को हमारा नाम याद दिलाते रहते हैं दनादन। लेकिन तुम्हें यहां बड़े ध्यान से रहना होगा। मगर हम खाली नहीं बैठ सकता। हमारे मतलब का कोई काम बताओ। हाँ काम भी बताएंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत काम है। ये लीजिए चाय। यशोदा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शादी से पहले आप सोचते होंगे मैं इस घर को संभाल सकूंगी कि नहीं। लेकिन आप नहीं जानते इस घर की खुशियों के लिए मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसा मत कहो यशोदा, तुम ही तो इस घर की शान हो। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। ऐसा भी होता है, ये तो सरासर अन्याय है। क्या हुआ भोले चाचा? मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर गांव गया था, वहां मेरा बेटा मर गया। उसकी वजह से मैं 10 दिन लेट हो गया तो शर्मा जी ने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो। शर्मा जी की इतनी हिम्मत? शर्मा जी
अपना भला चाहते हो तो भोले चाचा से माफी मांग लो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे बेटे? आप देखना चाहते हैं? हाँ? तो देख लो। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, क्या बात है किरण? सेठ जी, मिल के मालिक आप हैं या वो शर्मा जी? क्या मतलब? मिल मजदूर को नौकरी से निकालने वाले वो कौन होते हैं? आखिर हुआ क्या है? शर्मा जी ने भोले चाचा पर हाथ उठाया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं शर्मा जी को नौकरी से निकाल दूं? नहीं सेठ जी, बस एक बार वो सबके सामने भोले चाचा से माफी मांग लें। शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं, माफी मांगना या? आई एम सॉरी भोलेनाथ जी। सेठ जी जिंदाबाद, सेठ जी जिंदाबाद, किरण भैया जिंदाबाद, किरण भैया जिंदाबाद, किरण भैया जिंदाबाद। तुम अभी दवाई खा लेना, बाद में दूध पीना भी मत भूलना, भारी चीज उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? और हाँ, बड़े भैया आकर खाना बना लेंगे। हे मेरी माँ, तुम कोई फॉरेन टूर पे जा रहे हो या 8 घंटे की नौकरी करने के लिए? यूं गए और यूं आए? अरे भाई, पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना। तो इसमें तकलीफ तुम्हें होगी या मुझे? वो तो तुम्हें होगी, काश मैं तुम्हारी तकलीफ में हिस्सा ले सकता। चलो अब जाओ।